लेकिन इस बार उन्होंने कुछ हट के विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने जो आज रक्तदान विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, साथ ही साथ जो निःशुल्क जाँच शिविर भी उन्होंने लगाया है, इससे बड़ा मैं सोचती हूँ कि भाई सेवा कार्य और कोई नहीं हो सकता। लोग 40 लोगों की टीम है और हम लोग दिल से सेवा करते हैं। ब्लड देना सबसे महान दान है, कन्यादान ब्लड दान ये सबसे बड़े महान दान है, तो कोई भी डरे नहीं, ये दान में पीछे हटे नहीं। रक्तदान से बढ़कर कोई महादान नहीं है। रक्तदान को उत्साहवर्धक और प्रेरित बनाने के उद्देश्य से एक लकी ड्रा का सिस्टम रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मन, आप देख रहे हैं IVC24 महाकौशल। कटनी जिले में सिंधी समाज के द्वारा यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि यहां के सेवक हैं लगातार यहां पर लगे हुए हैं और सिंधी समाज के लोग यहां पर आकर बढ़ चढ़ कर रक्तदान में यहां सहयोग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर जो सिंधी समाज के लोग हैं यहां पर मौजूद हैं और लगातार यहां पर सेवा भाव से लगे हुए हैं और यहां सिंधी समाज के लोग लगातार यहां पर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो रक्तदान शिविर में जो भाग लिया है, भाभी जी जिस तरीके से देखा जाए जो रक्तदान शिविर का यहाँ पे आयोजन हुआ था, आपको किसके द्वारा पता चला था? सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं नीलम जगवानी। सबसे पहले तो जय झूलेलाल आप सभी को और सभी को आने वाले चेटीचंद की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हर तरह हम देख रहे हैं भगवान झूलेलाल साईं के जन्मोत्सव के विभिन्न तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे भाइयों ने जो 15 साल से निरंतर सिंधी भावरन ग्रुप के द्वारा निरंतर जो झूलेलाल साईं के उपलक्ष्य में उनके चेटीचंद के उपलक्ष्य में कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ हट के विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने जो आज रक्तदान विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, साथ ही साथ जो निःशुल्क जाँच शिविर भी उन्होंने लगाया है, इससे मैं सोचती हूँ कि भाई सेवा कार्य और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो कि रक्तदान जिसको कहते हैं जिंदगी, जिसको हमने जिसके अपने कुछ अपना दे दिया, उसके लिए हम और इससे बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि हम सभी की शुभकामनाएं हम भाइयों के साथ इन सबके साथ है कि ये ग्रुप इसी तरह सेवा कार्य में आगे बढ़ता रहे। आज मैंने भी रक्तदान किया है तो हमें लग रहा है जो छोटा सा ये अपना जो योगदान मैंने दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सिंधी भावरन ग्रुप की भी और सभी सदस्यों की। देख सकते हैं ये जो रक्तदान शिविर है सिंधी भावरन ग्रुप जो कि कटनी का है, ये इन्होंने जो कि इनको सर्टिफिकेट भी मिला है, जो रक्तदान इन्होंने सहयोग किया है इनको एक सर्टिफिकेट भी मिला। हमारे साथ एक और भी महिला है, उनसे भी मौजूद कर उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाभी जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आशा अरोरा है। अच्छा, आप जब पहली बार आई थी यहाँ पर, आपने रक्तदान आप पहली बार कर रही हैं कि इससे पहले और कर चुकी हैं? नहीं, मैं पहली बार ही कर रही हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा अनुभव हुआ मुझे यहाँ पर, बहुत अच्छी मतलब मन को शांति मिली कि मैंने भी कुछ किया। अच्छा, इस ग्रुप से आप कब से जुड़ी हुई हैं? जी स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही जब ये ग्रुप बना हुआ था। पूरे 15 साल हो गए हम कुछ ग्रुप से जुड़े हुए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे जो कि सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी अमरलाल पंजवानी हूँ, मैं 15 साल से इसमें सेवा में लगा हूँ। हम लोग 40 लोगों की टीम है और हम लोग दिल से सेवा करते हैं, या हर साल नया कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। इस साल हम सब भाइयों का मन हुआ कि हमारे गोपी भाई गोपी सचदेवा जी थोड़े शांत हो गए, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये ब्लड शिविर डॉक्टर शिविर रखे हैं और कल भंडारा रखे हैं, तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सब प्रोग्राम भी कर रहे हैं और हमारे ऊपर उनकी आशीर्वाद रहे भगवान झूलेलाल जी का, और ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग की बातें पहुंचे कि ब्लड देना सबसे महान दान है, कन्यादान ब्लड दान ये सबसे बड़े महान दान है, तो कोई भी डरे नहीं, ये दान में पीछे हटे नहीं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए आप लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी प्रतियोगिता भी रखी है, और ये किसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने ये रक्तदान शिविर और ऐसे भक्तियों का जो कार्यक्रम है आपका क्यों रखा है? हम लोग प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, समाज में आगे आने के लिए, कि समाज में हर चीज़ को खुशी पानी हो तो सब कोई आगे आए और बढ़ चढ़ के सहयोग करें, तो इससे क्या रहता है समाज में एक दूसरे से आदमी का मिलन स्वभाव और प्रेम स्वभाव बना रहता है, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं और हम लोग आगे भी रखते रहेंगे। झूलेलाल जी की मेहर रहेगी और हमारे ग्रुप के सभी रोशन सचदेवा, रवि मटानी, दिवांशु और गोगा जी, विनोद जी, राजा पंजवानी, आकाश मटानी, अपना राहुल सचदेवा जी, हमारी बहुत बड़ी टीम है और सबको ही हम लोग के साथ हैं, और महेश रोरा जी, सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ युवा पीढ़ी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा पीढ़ी भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है सबसे पहले? रवि मटानी। अच्छा, आप जिस तरीके से युवा पीढ़ी है, जब ये ग्रुप बना था
तो आप कब से जुड़े हुए हैं और अभी तक क्या क्या सेवा आप करते आ रहे हैं? हम लोग को ये कार्य करते हुए 15 साल हो गए। ये ब्लड डोनेशन और डॉक्टरों का शिविर पहली बार लगाया गया है। ये हमारे एक मित्र, हमारे सक्रिय सदस्य गोपी सचदेवा जी, जो इस साल ब्रह्मलीन हो गए, उसकी स्मृति में हम लोग ने ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है। और इससे पहले हम लोग ने ये चेट्रीचंड के उपलक्ष्य में लेडी संगीत और महिला स्कूटर रैली और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए बहुत सारी चीज़ें की हुई है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो कि ये पूरे जो ग्रुप है, ग्रुप के सदस्य हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सीनियर लोग भी, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं मोनी जैसवानी, जो है मोनी जैसवानी। जिस तरीके से देखा जाए, इस रक्तदान शिविर में एक छोटी सी प्रतियोगिता भी रखी गई है, किस तरीके की प्रतियोगिता है, थोड़ा समझाने की कोशिश करें। रक्तदान से बढ़कर कोई महादान नहीं है। रक्तदान को उत्साहवर्धक और प्रेरित बनाने के उद्देश्य से एक लकी ड्रा का सिस्टम रखा गया है। जो भी आज रक्तदान के डोनर रहेंगे तो उनकी एक लिस्ट कंप्लीट करके लास्ट में लकी ड्रा के माध्यम से 5 विनर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव एक लकी ड्रा कूपन के माध्यम से जो है उनको वो लकी ड्रा कूपन दिए जाएंगे, मतलब इनाम दिया जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कि छोटी प्रतियोगिता रखी गई है, यहाँ पे इनाम भी दिए जाएंगे जिसका लकी ड्रॉ में नाम आता है सामने। आप देख रहे थे IVS 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।